य ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चे देवीं सरस्वतीं व्यासं तथो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नेष्टिकीम् यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वे पाय नो विरहकतर्याजुहावो पुत्रेति तन्वयितया तर्वो विनिदु तम सर्वभूतृदं मुनिमानितोऽस्मि यस्वानुभावं अखिल स्वतिसारमिकं अध्यात्मदीपं वतिति तीशांतमं संसारणाम करुणया पुराणगुह्यं तम्यास सुनुप्यामि गुरुं हरे <coughs> कृष्ण तो ये श्रीमद्भागवत भागवत स्कन दस और प्रसंग है उद्धव की वृंदावन यात्रा वृंदावन धाम की श्री शुकुवाच वृश्नी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षार उद्धवो बुद्धि सत्तमा श्री जी ने कहा अत्यंत बुद्धिमान उद्भव विष्णुवंश के सर्वश्रेष्ठ लाकार भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र के तो तथा बृहस्पति जी के प्रत्यक्ष शिक्षक थे तात्पर्य आचार्य भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजे जाने के कई कारण बताते हैं भगवान ने वृंदावन वासियों से वादा किया था आयस्य मैं लौटूंगा भागवत दस उनतालीस पैंतीस में यही नहीं पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने नंद महाराज को वचन दिया था दृष्टुम ऐश्याम अहम आपका तथा माता यशोदा का दर्शन करने वापस आएंगे भागवत दस पैंतालीस तेईस साथ ही भगवान श्री वसुदेव तथा माता देवकी के साथ कुछ दिन रहने का वचन भी नहीं टाल सकते थे कि उन्होंने इतने वर्षों तक कष्ट झेले थे इसलिए भगवान ने अपने स्थान पर अपने अभिन्न प्रतिनिधि को भेजने का निश्चय किया यह प्रश्न किया जा सकता है कृष्ण नंद तथा यशोदा को मथुरा जाने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित नहीं किया तो श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार जिस स्थान पर वसुदेव तथा देवकी से प्रेम विनिमय कर रहे थे उसी स्थान पर और उसी समय नंद तथा यशोदा के साथ ऐसा करने से भगवान कृष्ण की लीलाओं विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती इसलिए उन्होंने नंद तथा यशोदा को अपने साथ मथुरा में रहने के लिए नहीं बुलाया वृंदावनवासी अपने ही ढंग से कृष्ण को समझते थे अथवा मथुरा के राजसी वातावरण में उनकी भावनाओं की समुचित अभिव्यक्ति स्थिर भाव से नहीं हो पाती इसी श्लोक में श्री उद्धव को बुद्ध अत्यंत बुद्धिमान बताया गया है अथय वृंदावन के उन वृंदावन पुण्यवासियों को दक्षता से सांत्वना दे सकते थे जो कृष्ण के लिए तीव्र विष्भ का अनुभव कर रहे थे तत्पश्चात मथुरा लौटकर उद्धव वृंदावन में देखे गए असाधारण शुद्ध प्रेम का वर्णन सभी वृष्णवंशियों से, से कह सकेंगे निस्संदेह कृष्ण के प्रति गोपों तथा गोपों का गोपियों का प्रेम कृष्ण के अन्य भक्तों द्वारा अनुभूत प्रेम से बहुत बड़ा हुआ था और इस प्रेम के विषय में सुनकर कृष्ण के सारे भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति में संवर्धन कर सकेंगे जैसा स्वयं भगवान ने तृतीय स्कंध में कहा है अणु अपि मन न्यून उद्धव मुझसे तनिक भी भिन्न नहीं है कृष्ण से समानता रखने वाले उद्धव कृष्ण का संदेश वृंदावन ले जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति थे वस्तः श्री हरिवंश में कहा गया है कि उद्धव वसुदेव के भाई देव भाग के पुत्र थे उद्धव देव भागस महाभागा श्रुतो अहवत दूसरे शब्दों उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे हरे कृष्ण तो ये विषय बड़ा ही गंभीर है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कंस का वध करके और अपने माता पिता देव की बसदेव को कारागार से मुक्त करके शांतिपन को शांति उनको उग्रसेन महाराज को राज सिंहासन बिठाकर और, बिठा और भगवान नंद बाबा से कहा कि बाबा अब तुम ब्रज में लौट जाओ मैं कुछ दिन यहाँ अपने निज जनों को सगे संबंधियों को कुछ दिन सुख प्रदान करके वापस में आ जाऊंगा यद्यपि नंद बाबा बहुत दुखी थे पर कृष्ण भगवान बड़े चतुरे हैं हर व्यक्ति को मनाने में भगवान ने उनको किसी तरह से राजी किया नंद बाबा वापस लौट जाते हैं भगवान श्री कृष्ण बसदेव जी के कहने से या वसुदेव जी उनको उज्जैन शांति मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया चौंसठ दिन में 64 विद्याओं को उन्होंने सीख लिया यद्यपि भगवान सभी विद्याओं के स्रोत रहे हैं फिर भी भगवान एक लौकिक लीला कर रहे हैं और एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि गुरुजनों से ही हम विद्या को सीख सकते हैं आचार्यों के बिना विद्या फलीभूत नहीं होती है तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने चौंसठ दिन में ही विद्याओं का अध्ययन किया और अपने गुरु शांति पनि मुनि को गुरु दक्षिणा देकर के उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके गुरु दक्षिणा उन्हें देकर के वापस भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए भगवान श्री कृष्ण मथुरा आने पर बड़े ही चिंतित बड़े दुखी और बहुत व्याकुल रहते थे उन्हें न तो कुछ भोजन ही अच्छा लगता था और न पानी अच्छा लगता था न किसी से बात भी नहीं करते थे वो बहुत चिंतित बड़े व्याकुल रहते थे तो ये हाल जब मैया देवकी ने देखा कि मेरा कृष्ण बहुत दुखी बहुत चिंतित बहुत व्याकुल रहता है क्या दुख है इसे यद्यपि माँ देवकी ने पूछा भी पुत्र तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट है या कोई चिंता है क्या बात है मैं देखती हूं कि तुम रात दिन चिंता में रहते हो ठीक से भोजन भी नहीं करते और रात्र को तुमको नींद भी नहीं आती जिस पुत्र का जिस माँ का पुत्र व्याकुल रहे चिंतित रहे उस माँ को चिंता नहीं पड़ती उस माँ माँ को नींद नहीं आती वो व्याकुल हो जाती है मेरे पुत्र को क्या हो गया बार बार पूछने पर कृष्ण अपनी माँ को नहीं बता रहे तो देवकी ने विचार किया कि हो सकता है जब बड़े लड़के सयाने हो जाते हैं ना तो कुछ कुछ गुप्त रहस्य कुछ गुप्त बातें ऐसी होती हैं अपने माता पिता को नहीं बता सकते कुछ ऐसा दुख होता है या कुछ ऐसा कोई बात होती है इसे अपने माता पिता को नहीं बता सकते तो अपने मित्रों को बता सकते हैं तो उद्धव जी से कहा उद्धव तुम कृष्ण के परम सखा हो और हमेशा उनके निकट रहते हो तुम कृष्ण को पूछो क्या क्यों चिंतित रहता है दिन वो बहुत चिंता में रहता है और कभी कभी रोता भी दिखता है सुखदेव गोस्वामी कहते बिष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सतम सुखदेव गोस्वामी कहते राजन वंशियों में उन यदुवंशियों में उद्धव जी एक प्रधान पुरुष थे बहुत बुद्धिमान थे और सभी यदुवंशी उद्धव के बिना पूंछे कुछ भी कार्य नहीं करते थे उद्धव जी इतने बुद्धिमान थे उद्धव हो बुद्ध बुद्धिमानों परम बुद्धिमान थे वो क्योंकि शिष्य बृहस्पति साक्षात वो साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे कोई छोटे बोटे गुरु के शिष्य नहीं थे वो शिष्य बृहस्पति साक्षात साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे और परम बुद्धिमान थे सुखदेव गोस्वामी कहते राजन उद्धव की महिमा के बारे में इससे बढ़कर और क्या कह सकते हैं कि उद्धव कृष्ण से तयता सखा उद्धव साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा से प्रिय सखा अत्यंत निकटतम सखा थे श्री कृष्ण के तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भी प्रभो आप इतने व्याकुल क्यों रहते हो क्या बात है हमेशा व्याकुल ही रहते हो पर भगवान विचार करते कि उद्धव जी को ये बात बताऊं कि नहीं बताऊं अपने मन की बात किसे बताऊं मैं भगवान काफी दिन से सोच भी रहे थे क्योंकि भगवान व्याकुल क्यों रहते थे जब भगवान के भक्त ब्रज में इतने व्याकुल रहते थे भगवान के नंद पिता नंद बाबा मैया सोदा उनके ग्वाल बाल यहाँ तक गैया पशु पक्षी सब व्याकुल रहते थे भगवान के विरह से तो भगवान भी व्याकुल रहते थे भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता था तो धोजी भगवान श्री कृष्ण को यमुना के किनारे ले गए चलो यमुना के किनारे थोड़ा विश्राम की तरफ थोड़ा घूमते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा न? कुछ मन हल्का हो जाएगा और भगवान भी सोच रहे थे कि मैं अपने मन की बात किसको बताऊं जिससे थोड़ा मेरा मन हल्का हो है ना जो मन में कुछ जो व्याकुलता है वो चिंता कुछ हल्की हो होता नहीं किसी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई व्याकुलता हो कोई दुख हो तो अपने मित्र को अपने दुख को बताता है जिससे थोड़ा कुछ दुख उसका हल्का हो जाता है किसी दूसरे को बता करके थोड़ा दुख हल्का हो जाता है तो भगवान विचार कर भी रहे थे कि मैं अपने इस व्याकुलता को अपने इस चिंता को किसे बताऊं कोई यहां पात्र मेरे को नहीं दिखता होता ना कि जैसे हम किसी को अपने दुख की बात बताएं किसी व्यक्ति को तो संसार के लोग क्या होते हैं उस समय बड़े प्रेम से पूछे हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ और बाद में फिर वही उसकी मजाक उड़ाते हैं अधिकांश लोग ऐसे होते हैं। तो भगवान ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो कि भाई ब्रज की हमारी प्रेम की बातें ना और संसार के लोग कहीं इस प्रेम को कहीं संसारी प्रेम न समझ रखे जो हमारा गोपियों के प्रति जो हमारा जो प्रेम है और वो प्रेम दिव्य प्रेम है इस प्रेम को सभी लोग नहीं समझ सकते पर भगवान ने देखा कि हां उद्धव वास्तव में मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है परम बुद्धिमान है तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे घूमने के लिए यमुना के किनारे ले गए विश्राम घाट की तरफ वहां बैठे हुए हैं पर भगवान बहुत चिंतित हैं यमुना को देख करके और चिंतित हो गई क्योंकि यमुना जी को देखते ही भगवान को अपनी सारी लीलाएं याद आ गई भगवान बड़े व्याकुल से हो गए उधर श्रीमती राधा रानी जब से भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके आए थे तब से राधा रानी बहुत व्याकुल बहुत व्याकुल अधिकांश वो मूर्छा अवस्थानी रहती थी राधा रानी और जब थोड़ा होश आता था तो व्याकुल एकदम व्याकुल होकर के और बस सखियों से कहती सखी लगता है अब श्याम सुंदर आएंगे नहीं और अब मेरे भी प्राण रहने वाले हैं नहीं सखियां कहती श्यामा जू तुम किसी तरह से अपने प्राणों को धारण करके रखो और वो श्याम सुंदर जब कह के गए तो निश्चित एक दिन जरूर आएंगे और तुम अपने इस प्राणों को त्याग दोगे और जब श्याम सुंदर लौट करके आए और वो सुनेंगे कि राधा रानी ने या अन्य गोपियों ने मेरे विरह से प्राणों को त्याग दिया तो भगवान श्री कृष्ण को उन श्याम सुंदर को बहुत मानसिक दुख होगा बहुत पीड़ा होगी बहुत दुख होगा तो हमारे श्याम सुंदर को किसी प्रकार का दुख ना हो हम चाहे कितनी दुख दुख को सहन कर लें परंतु श्याम सुंदर को दुख ना हो हमारे को तो राधा रानी भी वहीं यमुना के किनारे बैठी थी बैठे सखियां भी साथ में बैठी थी तो श्री कृष्ण का चिंतन करते करते राधा रानी को एकदम मूर्छा सी आ गई उनके हाथ में एक कमल था नील कमल वो छूट के यमुना जी में गिर गया इधर भगवान श्याम सुंदर मथुरा में बैठे हुए हैं यमुना के किनारे और वो वो फूल जब बह करके यमुना में आ रहा था तो उद्धव जी ने विचार किया कि इस फूल को बड़ा सुंदर है कृष्ण को दे दूंगा तो ये थोड़े प्रसन्न हो जाएंगे उद्धव जी ने उस फूल को उठा करके और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को दिया देखो प्रभु ये कितना बढ़िया सुंदर फूल है कितना सुंदर फूल है और जैसे ही भगवान ने उस फूल को हाथ में लिया और उस फूल में गंद आई राधा रानी की और भगवान उस फूल को लेते एकदम बेहोश मूर्छित हो गए उद्धव जी ने विचार किया ये बच्चा हुआ हमने तो इनको फूल दिया कि थोड़ा सा इनको कुछ थोड़ा कुछ शांति मिलेगी और ये तो और मूर्छित हो गए उद्धव जी जैसे तैसे उनको होश में लाए और उद्धव जी बोले कि अब इतने चिंतित तो और इतने क्यों रहते हो तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एकांत में ले गए कि अपने अब मन की बात बतानी है तो कोई सुन न ले इस बात के लिए केवल उद्धव ही सुन पाए मेरा सुखदेव गोस्वामी कहते तमाह भगवान प्रेष्टम भक्तम एकांतिन कचित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने उस प्रिय भक्त को एकांत में ले गए भक्तम एकांत कचित एकांत में ले गए वो और एकांत में ले जाकर के गृहवा पाणिनाम पाने पाणी प्रपन्ना आर्त हरो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी एकांत में ले गए और एकांत में ये और एकांत हुँ? कि किसी को भनक तक न पड़वाए कि हमारी उद्धव की क्या वार्तालाप हो रही है कोई सुन न सके भक्तम एकांत नम एकांत में ले गए और वहां जाकर के भगवान ने गृहित पाणिनाम नाम पाणिम भगवान ने उद्धव जी को अपने पास बैठा करके और उद्धव जी का हाथ अपने गोद में रख लिया अपने हाथ में ले लिया उनका हाथ सुखदेव को स्वाम कहते प्रपन्ना आरतहरोहरी राजन जो शरणागतों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं प्रपन्ना आरतहरोहरी जो उनकी शरण में आता है तो उनके दुखों को हरने वाले हरी हैं और आज वो स्वयं बड़े दुखी हो रहे हैं है ना यही तो भगवान की बड़ी विचित्र लीला है एक जगह और सुखदेव गोस्वामी ने कहा है श्रुत्वा सत क्या हो क्रीड़ी फलानिति, श्रुत्वा सत्वरम फलार्थी धानम आदाय ये सर्वफल सर्व फल प्रदा जब एक फल वाली बेकरी फल ले लो फल तो भक्सुत्व रमच्युत भगवान ने सुना कि कोई फल वाली फल वेग रही है तो फलार्थी धनवादाय धनवादाय फल की फल को इच्छा से फल की इच्छा से कुछ धान कुछ अन्न लेकर के और फल वाली के पास आए सुखदेव गोस्वामी कहते सर्व फल प्रद सर्व फल सर्व फल प्रदा जो सबको फल देने वाले हैं भगवान <laughs> जो सबको फल देने वाले और आज वो फल वाली के पास फलार्थी फलार्थी बन के आए तो यहां सुखदेव गोस्वामी कहते प्रपन्ना आर्त हरो हरी जो हरी शरणागतों के सारे कष्टों को सारे दुखों को हरने वाले हैं आज बड़े आर्त स्वर से कह रहे हैं उद्धव उद्ध बोले क्या बात है प्रभु क्यों इतने दुखी हो इतनी विकल्प क्यों हो रहे हो तो चिंता किस बात की है किसी प्रकार की कमी तो है नहीं बड़े बड़े सुंदर राजमहलों में रहते हो और दास दासियों की कोई कमी नहीं सब दास दासियां हैं आपकी सेवा में तैयार खड़े रहते हैं क्या कौन सी किस वस्तु की आपको आवश्यकता हो हमेशा तैयार रहते हैं और यहां भोजन खाने की कोई कमी नहीं छप्पन प्रकार के भोग आपके सामने रखे रहते हैं प्रभु कौन सी बात की कमी है आपके पास किस बात का है इतने व्याकुल क्यों रहती हो क्या बात है भगवान की आंखों में आंसू छलक पड़े हैं अरे उद्धव उधो मोही ब्रज सरत नाही उद्धव तुम कहते हो किसकी याद करते हो किस चिंता में रहते हो उधो मैं अपने ब्रज को कभी नहीं भुला पाता भुलाने पर भी नहीं भुला पाता क्या नहीं भुला पाते बोले हंस सुता की सुंदर कल हंस सुता की सुंदर कल रुवन की छाई हंस सुता जानते हंस सुता किसे कहते हंस सुता हंसस्ता कहते हैं यमुना जी के लिए क्योंकि हंस एक नाम सूर्य का भी है पर्यावाची शब्द तो सूर्य पुत्री हैं यमुना जी बोले हंस सुता की सुंदर कलरव और तरुण की छाई जो यमुना कलकल बहती हुई यमुना जी और उस यमुना पर नाना प्रकार की यमुना के पुलन पर खेल करता था वो धो वो मुझे हमेशा याद आती रहती है और तरुवन की छाई जो उसके किनारे पर और ये वृंदावन में बड़े सुंदर सघन वृक्ष थे कदम इत्यादि वृक्ष उनकी छाया में बैठ करके के और सखाओं के साथ नाना प्रकार के खेल करता था मुझे वो सब याद आती है अर्थात मैं कभी भी वृंदावन के लिए और वृंदावन के निवासियों के लिए अपनी व्रज गोपियों के लिए अपने सखाओं के लिए गैयाओं के लिए मैया के लिए एक सेकंड भी कभी भूल नहीं पाता उद्धव तो उद्धव जी बोले क्या करूं फिर मैं क्या आपकी मैं आपकी क्या सहायता और क्या सेवा कर सकता हूं भगवान बोले गच्छो उद्धव गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रो नौ प्रीतिमा गोपी नौ मद भी मत संदेश मोचय भगवान बोले उद्धव हे सौम्य स्वभाव उद्धव सुखदेव जी को कह रहे हैं गच्छ उद्धव गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य उनको सौम्य कहा है सौम मतलब परम शांत उद्धव जी इतने शांत हैं जीव गोस्वामी कहते हैं उसमें कि उद्धव जी इतने शांत हैं इतने शांत हैं इतने सौम्य हैं कि जो उद्धव जी के दर्शन कर लेता है वो कितना ही अशांत व्यक्ति हो कितना ही अशांत व्यक्ति हो और उद्धव के दर्शन करते ही उसे उसके मन में परम शांति होती है इसलिए कहा है गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी आप ब्रज में चले जाओ वहां मेरी मैया ये सोधा, मेरे बाबा नंद बाबा यानी मेरे माता पिता मेरे नहीं हमारे माता पिता कहा है भगवान अकेले अपने बोल सकते थे बोले हमारे माता पिता अर्थात तुम्हारे और हमारे हमारे माता पिता नंद बाबा और यशोदा रहते तो जीव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने हमारे क्यों कहा एक बचन ही बोल सकते बहुवचन क्यों बोले हमारे माता पिता अर्थात वो उद्धव जी को बताना चाह रहे हैं कि उद्धव में और में बिल्कुल अंतर नहीं है मेरे माता पिता आपके माता पिता हैं तो आप जाकर के उन्हें सुख प्रदान करो क्योंकि मेरे यहां चले आने पर मेरे माता पिता बहुत दुखी बहुत दुखी हैं बहुत व्याकुल हो रहे हैं आप जाकर के उन्हें अपनी मधुर वाणी से उनको जाकर के थोड़ा सांत्वना प्रदान करो उन्हें थोड़ा आनंद प्रदान करो उन्हें सुख प्रदान करो और गोपी, ना, गोपी नाम गोपी नाम मधाधीन गोपियां तो मेरे वियोग से, से बहुत मेरे विरह से बहुत व्याकुल रहती हैं उन्हें जाकर के मत संदेश ही मुझे मेरा संदेश सुनाओ तो मेरा संदेश सुनाओ अब मेरा संदेश मतलब संदेश क्या सुनाओ तो उसमें कई संदेश हो सकते हैं अर्थात तुम जाकर कहना मेरी प्रिय गोपियों से कि देखो जिस प्रकार तुम श्री कृष्ण के व्योग से व्याकुल रहती हो ठीक उसी प्रकार श्याम सुंदर भी तुम्हारे दुख से बहुत व्याकुल रहते हैं तुम यह नहीं सोचना कि हम ही व्याकुल रहती हैं और वो तुमको भूल गए वो एक सेकंड भी तुमको नहीं भुला पाते तो मेरा संदेश उनको सुन सुनाना और यह भी संदेश सुनाना कि मैं उनसे कह के आया था कि आऊंगा तो मैं एक दिन निश्चित आऊंगा उनको यह भी बता करके उन्हें सांत्वना देना क्योंकि उनका मन ता मन मनस का मत प्राण मत अर्थे त्यक्त देहिका मामेव दैतम पृष्ठम आत्मा मनसा उन गोपियों का मन प्रियोद्धव उन गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है एक क्षण एक सेकंड भी वो कभी मुझको भूल नहीं पाती तो यहां गोपियों ने वो श्लोक सार्थक किया है कौन सा मन मना भव मद भक्ता मध्या जी माम नमस्करु भगवान गीता में कहा है कि अपना मन मुझे दे दो मेरे मन वाले बोलो मन मना भाव तो कन कहते हैं कि तामन का मत प्राणा मदरथे त्यक्त दे का उन गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझमें ही लगा रहता है उन गोपियों का मन उनके पास है ही नहीं उनका मन मेरे पास है और मत प्राणा उन गोपियों का मन नित्य निरंतर मजमी लगा रहता है एक क्षण मुझे नहीं भुला पाती और उनका प्राण उनका जीवन उनका सर्वस्व मैं ही हूं उद्धव उन गोपियों का प्राण उनका जीवन उनका सर्वस्व मैं ही हूं क्यों थे त्यक्त देह का उन, उन गोपियों ने मेरे लिए अपने पति अपने पुत्र सगे संबंधी आदि मेरे लिए सबको प्रत्यक्ष कर दिया उन्होंने उन्होंने मन से भी अपनी बुद्धि से मन से भी मुझे अपना प्रियतम अपना प्यारा नहीं नहीं अपना आत्मा ही उन्हें मान रखा है आत्मानम उन गोपियों ने मुझे अपना आत्मा ही मान रखा है और उद्धव तुम जानते हो ये मेरा व्रत है क्या बोले ये त्यक्त लोक धर्मांश ये त्यक्त लोक धर्मांश मदर्थे तान बेभर्महम हम कहते हैं कि उद्धव ये मेरा व्रत है मेरा नियम है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक सभी धर्मों का प्रत्याग कर देते हैं सर्वधर्मानुपर त्यज्य जो लोग मेरे लिए लौकिक परलौकिक सभी धर्मों का प्रत्याग कर देते हैं तो मेरा नियम है उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं और गीता में भगवान का है अनन्या चिंतन माम ये जना पर उपास तेसाम नृत्याभ्यक्ता नाम योग क्षेम भगवान में कहा हे हे अर्जुन जो व्यक्ति अन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है तो उसका योग क्षेम सब बहन में करता हूं जहाँ भगवान कहते हैं मदर देह का जो व्यक्ति मेरे लिए सारे सुखों को छोड़ देता है और केवल मेरा ही चिंतन करता है और यहाँ तक कि समस्त लौकिक और पौरलौक धर्मों का ही प्रत्याग कर देता है ऐसे भक्त की सारी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ उसका भरण पोषण उसका सारा जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ <coughs> और कहते हैं मयताेयस प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुले स्त्रि स्मरत अंग विमुहती स्मरत अंग विमुहती कंठ विहवला भगवान बोले उद्धव हे उद्धव उन गोपियों का मैं परम प्रियतम हूं जब से मैं ब्रज से यहां वृंदावन आया हूं तब तो तो से मुझे दूर थे बहुत दूर समझती है कि मैं कहीं विदेश में चला गया क्या और स्मरण तो मेरा स्मरण करके मेरा बार बार स्मरण करके मेरा स्मरण करके वो बड़ी व्याकुल होती हैं और यहाँ तक के बड़ी हमेशा मोहित हो जाती हैं व्याकुल होती हैं और बार बार मूर्छित हो जाती हैं बार बार मूर्छित हो जाती हैं और मेरे मेरे आने के लिए यानी मेरे दर्शन के लिए प्रति क्षण बड़ी उत्कंठित रहती हैं हर क्षण प्रति क्षण उत्कंठित रहती हैं जैसे वृत्ता सुन ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है अजात पक्षा इव मातरम खगा स्त यथाव तुदारिय प्रिय व्युस्तम बिस्ना मनोरविंदाक्ष द्रक्षते न ये वृत्ताशु ने कहा है कि हे कमलैन हे भगवान मैं आपके दर्शन के लिए ऐसा उत्कंठित रहूं ऐसी उत्कंठा बनी रहे ऐसा मैं व्याकुल रहूं ऐसा छटपटा आपके दर्शन के लिए कैसा अजात पक्षा इव मातरम रम खे जिस प्रकार बिना पंख का पक्षी छोटा जो पक्षी होता है इसके अभी पंख नहीं निकल पाए छोटा बच्चा होता है घोंसले में होता है और जब उसकी माता पिता उसको दाना उसको खाने के लिए को दाना लेने जाते हैं और जब तक उसके माता पिता नहीं आते हैं तब तक वो बड़ा व्याकुल और बड़ा उत्कंठित रहता है कि मेरी माँ ये मेरे पिता मेरे माता पिता कब आए कब आए वो घोंसले में बैठा होता है उसके पंख तो होते नहीं उड़ नहीं सकता वो आजात पक्षा है जैसे कोई व्यक्ति वहां कोई आता और थोड़े भी पैर से कुछ पत्ते खड़खड़ाते हैं तो चीं ची करने लगता हो सकता है कोई मेरी माता पिता आगे प्रति क्षण उसकी उत्कंठा बनी रहती है कि अब मेरे माता पिता हैं, अब मेरे माता पिता अब मेरे माता पिता आ रहे होंगे यानी उनके अलावा और किसी को बिल्कुल सोचता ही नहीं किसी का चिंतन करता ही नहीं हर क्षण उन्हीं का चिंतन रहता है और कहीं मन जाता ही नहीं और दूसरा उदाहरण दिया स्तनम यथा वत्स तरा चुधार था जिस प्रकार एक गाय है और गाय का बच, गाय जंगल में चढ़ने के लिए जाती है और उसका छोटा बच्चा बछड़ा घर पर रहता है और जब तक गाय वापस लौट के नहीं आती है तब तक वो बछड़ा और किसी का चिंतन नहीं करता केवल अपनी माँ का चिंतन कब मेरी माँ आएगी कब मेरी माँ आएगी कब माँ आएगी कोई भी कुछ हो तो तुरंत रमा लगता माँ है रमाता है हो सकता है कि मेरी माँ आ रही होगी तो उसी प्रकार प्रभो मैं और किसी का चिंतन न करके केवल आपके दर्शन के लिए छटपटाऊं जैसे आजाद जैसे बिना पंखा पक्षी अपने माता पे पिता के लिए व्याकुल रहता है कब वो आए और जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ के लिए व्याकुल रहता है बड़ा उत्कंठित रहता है कब मेरी माँ आए तब मैं उसका स्तनपान करूँ और एक उदाहरण दिया प्रियम प्रिय व व्युस्तम और जिस प्रकार किसी सती स्त्री का पति कहीं विदेश में कहीं बाहर गया हो काफी दूर गया हो कुछ समय के लिए और उसका पति जब तक नहीं आता है तब तक वो सती स्त्री सब तक वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए इतनी व्याकुल रहती है इतनी उत्कंठित रहती है कि हमारे प्राण नाथ कब आए कब आए तब तो उनकी कोई हम सेवा कर सके तो उसी प्रकार हे कमलैन में आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहूं भगवान कहते हैं कि बिरहोत्खंड ब्याह वाला उद्धव मेरी गोपियां हैं मेरे लिए यानी मैं उनसे कह के आया था मैं आऊंगा तो मेरे लिए इतनी उत्कंठित रहती हैं प्रति क्षण हर क्षण वो उत्कंठित रहती हैं कि कब आए कब उनके दर्शन करें और इतना ही नहीं बड़ी मुश्किल से अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं धारियंती अति कृषेण प्राय प्राणान कथन प्रत्यागमन संदेश बलब्यो में मदात्मिक उद्धव गोपिया बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं बड़े उपाय से बड़ी युक्ति से अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं नहीं तो अब तक वो अपने प्राणों को कब की त्याग चुकी होती किसी युक्ति से बड़े कष्टों के साथ अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं और वास्तव में था ही ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब सो भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर के मथुरा में आए तभी सो ब्रज में इतना करुणा छा गई थी इतना करुण वातावरण हो गया था कि सब हमेशा बड़े व्याकुल और बड़ी करुणा में रहते थे जीव गोस्वामी यहाँ तक लिखते हैं गोपाल चंपू में कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग से ब्रज में किसी ने भोजन तक नहीं किया न पानी पीते ना भोजन करते यहां तक कि जीव गोस्वामी लिखते हैं कि किसी के घर में चूल्हे में अग्नि नहीं जलती थी उनकी अग्नि में मकरी का जरा लग गया था सुनो जाला मकरी का जाला लग गया था कोई भोजन बनाते नहीं थे और मैया यशोदा के तो पूरा घर ऐसा ही सुमसाम पड़ा रहता कहीं मटकी पड़ी है दही की तो कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है न झाड़ू है न पोछा है कुछ भी नहीं किसके लिए घर सजाना है किसके लिए क्या बनाना है किसके लिए एकदम सब व्याकुल भगवान कहते हैं कि धारयंती अतकृष्ण प्राय प्राणान कथन क्षण वो किसी उपाय से बड़े कष्ट से किसी तरह प्राणों को धारण किए हुए हैं नहीं तो अब तक कब की प्राणों को त्याग देती है? जब एक क्षण भी गोपियों के लिए एक युग के समान बीतता था कहे ना उसमें गोपी के अटति य भवान अहि क्रुट युगा ये तो कुटिलल श्रीमुख ते जड़ दीक्षता पक्ष्मी कृद्र पक्षी कृदृसा कहती है प्यारे श्याम सुंदर जब तुम वन में बिहार करने के लिए चले जाते हो तो उसमें समय तमाम तुम्हारे दर्शन किए बिना हमें एक एक क्षण त्रुटि युगायते, थे एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतता है जब भगवान वन में बिहार करने के लिए चले जाते थे तब उनको एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतता था और जब भगवान श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ के मथुरा आ गई तो गोपियों का क्या हाल होगा कोई कल्पना कर सकता है अर्थात वो कल्पना के परे है कल्पना ही नहीं कर सकते उन गोपियों का क्या हाल होगा वो बार बार मूर्छित हो जाती थी और मूर्छित रहना ही उनका जीवन रहता नहीं तो कब के प्राणों को त्याग देती हमेशा मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती थी वो जब थोड़ा होश आता थोड़ी रो लेती थी व्याकुल हो जाती थी फिर मूर्छित हो जाती थी और राधा रानी की तो बड़ी ही विचित्र हो गई थी जबते बिछुड़े कुंज बिहारी इराधारानी का हाल है जबते बिछुड़े कुंज बिहारी नींदन परे घटे नहीं रजनी नींदन परे घटे नहीं रजनी बिरहे व्यथा भारी जबते बिछुड़े कुंज बिहारी यद्यपि ललिता विशाखा भगवान राधा रानी सखियाँ खूब समझाती थी पर राधा रानी हमेशा बिकल रहती थी हमेशा मूर्छित अवस्था में रहती जब थोड़ी सी उन्हें चेतना आती तो तुरंत बस सखियों को कहती सखियों ये मेरे हाथों में जो कंगन इत्यादि है ना इन सबको उतार के रख दो ये भजन लग रहे हैं मेरे ऊपर ये जलन पैदा कर रहे हैं। ये दिपी में देख रही हूं कि चंद्रमा की शीतल चांदनी हुं? और ये कदली वन क्योंकि राधा रानी कदली वन में अधिकतर रही जीव गोस्वामी कहते हैं कदली वन में राधा रानी नहीं थी तो कदली वन जब जबकि के, कली केल, कहते हैं, केला केला का वन काफी ठंडा रहता है शीतल रहता है ये कदली वन है और कदली वन में भी चंद्रमा की बड़ी शीतल छाया पड़ रही है पर यह शीतल छाया सूर्य की किरणों से भी गर्म लग रही है तो तो रहती सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि धारयंती कृष्ण प्राय प्राण कथनचन भगवान कहते हैं कि वो किसी उपाय से किसी तरह से प्राणों को धारण किए हुए हैं और उनका जो उपाय है जो उनके प्राण बचाने की ढाल है वो केवल क्या है बोले प्रत्यागमन मत संदेश ही बस मेरा ये संदेश था आते समय जो मैंने गोपियों से कहा था कि मैं आऊँगा बस यही आवाज़ उनके कान में गूंजती रहती है कि एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर जरूर आएंगे बस इसी आशा से वो प्राणों को धारण किए हुए हैं नहीं तो अपने प्राणों को कब का त्याग देती थी उद्धव बस तुम जाओ और शीघ्रता करो व्रज में जाओ तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि उद्धव जी को मैं अपना प्रतिनिधि बनाकर के भेज रहा हूं और उद्धव जी बिल्कुल मेरे समान ही है क्योंकि उद्धव जी का श्याम वर्ण था भगवान के साथ श्याम वर्ण और घुंघराले बाल बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र थे उनके और लंबी लंबी उनकी भुजाएं थीं बिल्कुल वहाँ भाग, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के जैसे लगते थे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका और बढ़िया श्रृंगार किया वेशभूषा बढ़िया बनाई अपना ही भगवान ने अपनी वस्त्र पहना दी अपनी पीतांबर उड़ा दी और वैसे ही उद्धव जी हमेशा भगवान के जो जो प्रसादी वस्त्र होते थे जिन्हें भगवान प्रत्याग कर देते थे जिन वस्त्रों का आभूषणों का तो उद्धव जी उन्हीं वस्त्रों से और उन्हीं आभूषणों से अपने को सजाते रहते थे उन्होंने कभी भी नए वस्त्र आभूषण कभी नए वस्त्र नहीं पहने उन्होंने केवल भगवान के जो जो त्यागे हुए वस्त्र होते थे उन्हीं को भगवान उद्धव जी पहनते थे उद्धव जी ने भगवान ने स्वयं उद्धव जी को खूब बढ़िया उनको सजाया बढ़िया से उनको वस्त्र पहनाई अपनी पीतामरी उड़ाई और अपनी माला भी डाल दी भगवान ने और यहां तक कि उनको मयूर पक्ष भी लगा दिया उद्धव जी को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया और उद्धव जी जी कहा उद्धव अब तुम जाओ तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्युक्त उद्धव राजन संदेश भरतरा प्रज नंद गोकुल गोस्वामी के तिराजन भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी से इस प्रकार कहा तो उद्धव जी ने अपने स्वामी की उस आदेश को उस आज्ञा को बड़े आदर के साथ धारण किया और वह रथ में आरूढ़ हुए भगवान ने कहा कि उद्धव तुम इसी रथ को ले जाओ जिस रथ में भगवान अक्रूर के द्वारा आए थे वही रथ उद्धव जी लेकर के जा रहे हैं तो उद्धव जी उसमें आरूढ़ हुए और प्रजो नंद गोकुलम नंदगांव की ओर चल पड़े उद्धव जी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्न लोचत विभावसान प्रवेशता पशु नाम भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित उद्धव जी नंदगाम की ओर जा रहे हैं और उद्धव जी नंदगांव में उस समय पहुंचे जिस समय सूर्यास्त तो होने वाला था अर्थात गोधूल वेला गोधूल वेला, वेला कहते हैं जो गायें बन से चर करके और वापस अपने घर जाती हैं तो उस समय उद्धव जी ब्रज में पहुंचे तो उस समय क्या देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय पहुंचे जो जिस समय गैयाए जंगल में चर के और वापस जब ब्रज में जा रही थी तो उसमें उस गैयाओं के खुर की कि के खोर से इतनी धूल इतनी धूल इतनी धूल उड़ी हुई थी इतनी धूल उड़ी हुई थी कि छन्नयान उद्धव जी का रथ और उद्धव जी ढक गई बिल्कुल दिखते ही नहीं पर उद्धव जी वहां बड़ी सुंदर शोभा देख रहे हैं ब्रज की जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि जब सो भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा आए तब से ब्रज की बहुत बुरी दशा हो गई थी बहुत बुरी दशा एकदम उजड़ गया था ब्रज परंतु भगवान ने विचार किया मेरा उद्धव ब्रज में जा रहा है वृंदावन जा रहा है और उजड़े हुए वृंदावन के दर्शन करेगा तो मेरे उद्धव को कैसा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा मेरे उद्धव को ऐसा बिल्कुल प्रतीत ना हो एकदम असली वृंदावन के दर्शन हो उजड़े हुए वृंदावन के दर्शन नहीं हो सर्व काल सुखावहम वृंदावन कैसा है सर्व काल सुखावह सब समय सुख प्रदान करने वाला आनंद प्रदान करने वाला वृंदावन है तो मेरा उद्धव उजड़े हुए वृंदावन को देखेगा तो उद्धव का मन खराब हो जाएगा इसका मन लगेगा नहीं वहां तो भगवान ने अपनी लीला शक्ति से उस ब्रज की ऐसी शोभा कर दी ऐसी शोभा कर दी जैसी शोभा भगवान के मौजूद रहने पर होती थी ऐसी ब्रज की शोभा कर दी भगवान ने तो उद्धव जी क्या देख रहे हैं उद्धव जी है? अच्छा हो गया अरे हुआ। तो ठीक है उद्धव जी ब्रज में जाकर के बड़ी सुंदरता ब्रज की देख रहे हैं तो उसका वर्णन आगे करेंगे हरे कृष्णा